हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के डे नंबर 44 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे वहां पर मंडे कलेक्शंस हम सभी लोगों ने डिस्कस किए थे, तो उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तीन दिन एपिसोड नहीं आया, क्योंकि सभी लोगों को पता है प्रोड्यूसर्स जो है वो फिगर देना बंद कर दिए थे उन लोगों ने। तो हम लोगों ने 41, 42, 43 इन तीन दिनों एक कलेक्शन जो डिस्कस नहीं किए हैं। अब जाकर आज प्रोड्यूसर्स ने फिगर दिया है। अगला एपिसोड अब तभी बनेगा जब मेकर्स जो है वो पोस्टर रिलीज करेंगे। क्योंकि गाइस शोज बहुत कम बचे हैं अभी यहाँ पर जवान के पास। लेकिन गाइस जवान इज इनटू इट्स सेवेंथ वीक, एंड सेवेंथ वीक में मुंबई में 68 शोज, 7 आईमैक्स शोज, 7 हफ्ते का एक मैसिव आईमैक्स रन मिला है जवान को, एंड 4DX में आज भी मुंबई में 10 शोज चल रहे हैं जो अपने आप में उपलब्धि है। वीक 6 की बात करूं तो नेशनल सिनेमा डे के कारण वर्ष 37th डे जो रहा वो मैसिव था, 4.75 करोड़। सैटरडे डे 38 1.51 करोड़, सिर्फ हिंदी बोल रहा हूं, एंड संडे डे 39 2.09 करोड़ था, यानी कि सिर्फ हिंदी वर्जन ने ही 8.35 करोड़ जो है वो कमा लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात करूं डे 40 मंडे, डे 41 ट्यूसडे, डे 42 वेडनेसडे एंड डे 43 थर्सडे, इन चार दिनों में फिल्म ने 2.24 करोड़ कमाकर वीक 6 का टोटल जो है वो 10.59 करोड़ पे पहुंचा दिया। यस फ्रेंड्स, 10.59 करोड़ इस फिल्म ने अपने 6 वीक में कमाए हैं। इसके पहले पठान ने 8.85, दृश्यम 2 6.03 एंड RRR के हिंदी वर्जन ने 5.4 एंड गदर 2 ने 4.72 करोड़ की कमाई की थी। यानी कि 6 वीक के बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर जवान ने अपने कलेक्शंस के द्वारा तोड़ दिए है, विच इज एन अनदर ह्यूमंगस अचीवमेंट। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स, हिंदी वर्जन जवान ने 580.09 करोड़ कमा लिए, यानी कि 580.09 करोड़। यहां से अगर इसको 600 करोड़ कमाने हैं नेट कलेक्शन हिंदी वर्जन, तो इसको और लगभग 19 से लेकर 20 करोड़ जो है वो कमाने हैं। बात करते हैं तमिल तेलुगु वर्जन की, तो तमिल तेलुगु वर्जन ने 6 वीक में 20 लाख की कमाई करते हुए 60.33 यानी कि 60.33 करोड़ की कमाई कर ली है। मैंने आपको पहले कहा है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, कितनी भी भाषाओं में पिक्चर को रिलीज कर दो, इतना नंबर आना बहुत मुश्किल है। गणपत तो यहाँ पर रिलीज ही नहीं हुई बाकी की भाषाओं में। मैंने कल ही कहा था कि हिंदी में लोग आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो गाइस जितनी भी फिल्में हैं हिंदी में जो नाम के लिए कह रहे हैं कि हम यू नो कन्नड़ा में, मलयालम में रिलीज करेंगे, बट डू दे रियली मीन इट? यहाँ पर जवान ने जो कलेक्शन किया है तमिल तेलुगु वर्जन में वो कमाना एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड इसी के साथ ऑल लैंग्वेजेस 640.42 यानी कि 640.42 करोड़ जा चुकी है। एंड अब शाहरुख खान को अगर 650 करोड़ का इनॉग्रेशन करना है यहाँ पर हमारे इंडियन फिल्म इतिहास में यानी कि हिंदी फिल्मों में, तो उन्हें 9.58 यानी कि 9.58 करोड़ जो है वो कमाने पड़ेंगे। अब गाइस बात करते हैं इसके ग्रॉस की। 640.42 करोड़ का ग्रॉस होता है 757.62 करोड़, 757.62 करोड़, एंड वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 1143.59 करोड़, यानी कि 1143.59 करोड़ कमा लिए हैं। अगर इसको 1150 करोड़ कमाना है तो इसे और सिर्फ 6.41 करोड़ कमाने हैं, जो नंबर डेफिनेटली होगा जो वर्ल्ड वाइड अभी भी ये फिल्म चल रही है। बात करो ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ओवरसीज द कलेक्शंस आर 385.97 यानी कि 385.97 करोड़, एंड इसे अगर 400 करोड़ ओवरसीज कमाना है तो इसे और 14.03 करोड़ जो है वो कमाने पड़ेंगे। आज भी इसके पास इतने सारे शोज है कि हिंदी में आराम से ये 25-30 लाख रुपए की कमाई जो है वो कर सकता है। ओवरसीज कहीं ना कहीं 50 लाख आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज भी प्रतिदिन वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ करेगा तो गाइस आई थिंक वर्ल्ड वाइड नंबर जो है 1150 जो है वो डेफिनेटली होगा। ओके गाइस, सो मच कैपियोर, सभी लोगों को पसंद आया होगा। जवान रुकी नहीं है, जवान थकी भी नहीं है, ये अगले हफ्ते जब तेजस और बारहवीं फेल आएगी तभी भी सिनेमा घरों में लगी रहेगी। आई थिंक जब तक टाइगर 3 नहीं आती जवान जो है सिनेमा घरों में लगी रहेगी, एंड इज्जत से लगी हुई है। ऐसा नहीं कि ऐसी जबरदस्ती लगाया हुआ है, आईमैक्स के शोज है, 4DX के शोज है, एंड 2D वर्जन में भी अच्छे खासे शोज है। ओके गाइस, हुआ तो संडे का एपिसोड बनाऊंगा जब फिल्म मैक्सिमम कमाई जो है करने की कोशिश करेगी। आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।